वेलकम टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम जकाउल्ला। आज हम पढ़ने वाले इनवर्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोग को बता चुका था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ए टू जेड डिटेल के बारे में, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो पे ये देख रहे हैं तो इससे पहले आप मेरे को पहली वीडियो को आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इनवर्स फाइंड करने का, क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के तरीके मैंने दो तरीके बताया था। कौन कौन से दो तरीके बताया था? बाय यूजिंग एडजॉइन मेथड, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के भी दो मेथड होते हैं। पहला कौन सा था? ड्यू टू रो, ड्यू टू कॉलम। अब तक कि हम लोग एलिमेंट्री पहला पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री में रो के तरीके देख चुके हैं। अभी आज मैं कॉलम के तरीके बता रहा हूँ। सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल को समझना ही इंपॉर्टेंट है। जब तक सवाल नहीं समझे तब तक हम सॉल्यूशन कर नहीं सकते, बराबर। अब सवाल इस तरीके में, इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस। अभी इसमें क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सवाल ये बोल रहा है कि इनवर्स फाइंड करो। अब इसमें कोई मेथड नहीं बोला है, कोई भी मेथड नहीं बोला। अगर इस तरीके से सवाल एग्जाम में आ जाए आप लोग को, तो एज योर चॉइस आप लोग एडजॉइन भी लगा सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, रो मेथड भी लगा सकते हैं और कॉलम मेथड भी लगा सकते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? बाय यूजिंग एलिमेंट्री से कर रहा हूँ और ड्यू टू कॉलम। इसके अंदर ऐसा कुछ बोला नहीं है, वो एज योर चॉइस आप लोग कोई भी मेथड लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज इधर ध्यान देंगे, हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। सेम मेथड है, पहले हमें क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? मॉड ऑफ ए जो है, मैट्रिक्स ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो मैं इसको डिटरमिनेंट में लिख देता हूँ। क्या है मेरे पास? 1, 2, -1, 3, 3, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? दो ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 1 × 3 और ये क्या हो जाएगा? 2 × -1। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3 हो जाएगा, माइनस 2 × 1 = 2 और ये माइनस का माइनस। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये 2 × 2 लिखा, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या ये 0 के इक्वल आया? नहीं आया। तो मॉड ऑफ ए अपने को कितना मिल गया? मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मिला। देयरफोर मैट्रिक्स ए इज एग्जिट। एग्जिट भी लिखिए तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? सबसे पहली चीज हमें इसमें क्या करना है? कॉलम के तरीके से करना है। अब तक हम लोग ये देख रहे थे ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई आल इक्वेशन लिख रहे थे ना, ये किसकी इक्वेशन थी? बाय यूजिंग रो में अपन लगा रहे थे, किसके? ड्यू टू रो के लिए ये इक्वेशन लगा रहे थे। कॉलम के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? खाली इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ इशू नहीं है, खाली इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। ये क्या हो जाएगा? पहला ए इनवर्स लिखना पड़ता है, ए इज इक्वल टू आई, बस यही है। किसके लिए यूज़ करना है? ड्यू टू कॉलम, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, रो के लिए ये लगाना है, कॉलम के लिए ये लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रो में ये लगा रहे, कॉलम में उल्टा सीधा कर रहे, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर पूरा वही है, सेम मेथड है, ठीक है। खाली आप लोग को ये चेंज करना है। अब तक के रो के लिए ये लगा रहे थे ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं? ए इनवर्स इज इक्वल टू आई अपने को लगाना है। तो क्या लगाएंगे? देयरफोर ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो ए इनवर्स ऐसे लिखा, ठीक है। ए इनवर्स ऐसे लिख दिया और ये क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स है? ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है बताओ तो? 1, 2, -1, 3, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आई, मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर लिख देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, क्लियर है। अभी हमें इस तरह अब तक के रो का काम कर रहे थे। एक बात याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रो का कर रहे हो आप लोग, तो रो ही कर सकते। रो और कॉलम एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन में नहीं कर सकते। अगर ड्यू टू रो कर रहे हो तो पूरा ऑपरेशन रो ही रहना चाहिए। ड्यू टू कॉलम कर रहे हो तो पूरा ऑपरेशन, पूरे क्वेश्चन में ऑपरेशन रो कॉलम से ही रहना चाहिए। आप मिक्सअप नहीं कर सकते, रो भी लगा रहे हो, कॉलम भी लगा रहे हो एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अब इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ? कॉलम लगा रहा हूँ। तो कॉलम ऐसा काम करना है। अब मेरा मकसद क्या है? इन दोनों को क्या, इसको क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो ये जीरो कैसा बनेगा? तो मैं क्या लिख रहा हूँ? ये C1 है, ये C2 है। समझ में आया? C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकंड कॉलम। अब मैं क्या कर रहा हूँ? C2 में काम कर रहा हूँ, C2 में काम कर रहा हूँ। इसको मुझे जीरो बनाना है, तो कैसा बनेगा ये? अगर C1 प्लस C2 कर दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। दोनों को ऐड करो तो ये जीरो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जब C1 में काम कर रहा हूँ, सॉरी C2 में काम कर रहा हूँ, तो C1 एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? 1
टू ऐसी रहेगा। और ये क्या हो जाएगा इधर ए इनवर्स का, ए इनवर्स इधर आ जाएगा इज इक्वल टू किस में काम कर रहा हूँ, सी टू में काम कर रहा हूँ, तो सी वन ऐसी रहेगा वन जीरो, क्या चेंज होगा सी टू चेंज होगा, दोनों को ऐड करना वन प्लस जीरो सॉरी वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, क्लियर हो गया। ये तो जीरो बन गया, अब इसको क्या बनाना है हमें टू, इसको क्या बनाना है जीरो बनाना है। अब जीरो कैसा बनाए थोड़ा सोच के देखो, ये जीरो कैसा बनेगा समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, अगर मैं इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसको मैं फाइव से मल्टीप्लाई करूँ तो ये टेन हो जाएगा, इसको टू से मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों ये भी टेन हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो तो जीरो हो जाएगा, समझ में आ। तो ये लॉजिक आप लोग को याद रखना है, कैसे याद रखे सिस्टमेटिक, तो मैं क्या लिख रहा हूँ सी वन में काम करना है मुझे, इसको जीरो बनाना है तो क्या लिखूँगा सी वन में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा इधर ध्यान देंगे, सी वन में काम कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ फाइव सी वन, सी वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फाइव सी वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस टू सी टू, फाइव सी वन माइनस टू सी टू। अब सी वन में काम कर रहा हूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू सी वन में काम कर रहा हूँ तो सी टू एज इट इज रहेगा, सी टू क्या है मेरे पास वन वन, सी टू क्या है मेरे पास जीरो फाइव, तो ऐसे अब सी वन में काम कर रहा हूँ मैं, क्या काम कर रहा हूँ फाइव सी वन माइनस टू सी टू, यानी कि सी वन को पाँच से पहले मल्टीप्लाई करना है, सी टू को दो से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक करना है, तो फाइव वन ज़ा फाइव माइनस सी टू की वैल्यू जीरो है, समझ में आ रहा है सी टू की वैल्यू क्या है जीरो है, तो क्या आ जाएगा टू जीरो जीरो, तो फाइव के ये क्या आ जाएगा आंसर फाइव आ जाएगा, क्लियर है समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं फाइव सी वन की वैल्यू वन है, माइनस का माइनस, टू का टू लिखा, सी टू की वैल्यू कितनी है जीरो है, तो ये आ गया आंसर फाइव वन जो फाइव माइनस टू जीरो जीरो, फाइव में से जीरो गए तो कितना बचेगा फाइव बचेगा, क्लियर है समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से अब ये वाली वैल्यू करना है, फाइव का फाइव लिखा, सी वन की वैल्यू कितनी है टू है, माइनस का माइनस लिखा, टू का टू लिखा, सी टू की वैल्यू कितनी है फाइव है, क्लियर है, तो कितना है फाइव टू ज़ा टेन माइनस टू फाइव ज़ा टेन, टेन और टेन कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचेगा जीरो बचेगा, क्लियर है ये पॉइंट। फिर इसी तरीके से इसमें भी अप्लाई करना है, सी वन की वैल्यू कितनी है फाइव है, तो फाइव वन ज़ा फाइव माइनस सी टू की वैल्यू वन है, टू वन ज़ा टू, फाइव में से टू गए तो कितना बचेगा थ्री बचेगा। अब यहाँ पे क्या लिया सी वन की वैल्यू जीरो है, फाइव को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो गया, फिर ये क्या है माइनस सी टू की वैल्यू टू है तो टू वन जर टू और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन बनाना है, इसको भी वन बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ सी वन में काम करूँगा, क्या करूँगा अगर सी वन को मैं फाइव से डिवाइड कर दूँ तो ये वन बन जाएगा, पूरे सी वन को फाइव से डिवाइड करो तो वन बन जाएगा, अगर सी वन में काम कर रहा हूँ तो सी टू एज इट इज रहेगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ ए इनवर्स ये क्या हो जाएगा सी वन में काम कर रहा हूँ तो इज इक्वल टू, पहले फॉर्मेट में लिख लेते हैं, फॉर्मेट में क्या लिख रहा हूँ मैं इधर ध्यान देंगे जीरो फाइव सी वन है, सी वन में काम करो तो सी टू सेम रहेगा, जीरो फाइव मैंने लिख दिया जीरो फाइव, ये क्या हो जाएगा वन वन, यहाँ पे लिख दिया वन वन, क्लियर है। फिर इसके बाद सी वन को फाइव से डिवाइड करना है, फाइव डिवाइडेड बाय फाइव कितना हो जाएगा वन आ जाएगा, तो इधर वन लिख दिए, जीरो डिवाइडेड बाय फाइव कितना होगा जीरो होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा अब क्या करना है इसको भी क्या फाइव से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय फाइव आ जाएगा, ये कितना है माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव आ जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अभी मेरे को किसको वन करना है, इसको वन करना है, तो ये कैसा वन होगा, ये सी टू है, सी टू को अगर मैं फाइव से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ सी टू में मैं काम करूंगा, कैसा काम करूंगा सी टू को अगर मैं फाइव से डिवाइड करूँ तो विल बी वन, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इज फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं पहला इज इक्वल टू सी टू में काम करो तो सी वन सेम रहेगा थ्री बाय फाइव और माइनस टू बाय फाइव, क्लियर है। अब सी टू को जीरो डिवाइडेड बाय फाइव कितना हो जाएगा जीरो, फाइव डिवाइडेड बाय फाइव कितना हो जाएगा वन, और ये क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय फाइव आ जाएगा, इधर भी ये वन डिवाइडेड बाय फाइव आ जाएगा। अब देखो ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ट्रांसफर बना दिया अपन ने वन वन जीरो जीरो बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास आंसर ए इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या बचेगा थ्री बाय फाइव वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव वन बाई फाइव, ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा इसको ये मैट्रिक्स को कितने लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू इसमें से देखो इधर भी फाइव है इधर भी फाइव है इधर भी फाइव है इधर भी फाइव है, उस वन बाई फाइव को क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, कितने लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग वन बाई फाइव को कॉमन ले लिए, बचा क्या मेरे पास थ्री वन माइनस टू वन, ठीक है आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर यहाँ तक भी आंसर लिखे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक लिखिए तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। ये था ये भी इनवर्स था,
इसी को आप रो के तरीके से भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग एडजॉइन से भी कर सकते हैं। अभी एडजॉइन पढ़ाया नहीं हो, आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर कितना दिया, 2 × 2 के फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या है, 2 × 1 − 1। इसमें भी क्या हो रहा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। समझ में आ रहा है, अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है, कौन सा इनवर्स फाइंड करना है। कोई मेथड नहीं बोला है, लेकिन मैं कौन से तरीके से करा रहा हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कॉलम मेथड से करा रहा हूँ। आप लोग कोई भी कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने को इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले हमें क्या करना है, मॉड ए फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, हमें वेरीफाई करना है। समझ में आ रहा है, तो चलो इसको मॉड में ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा, 2 − 1 − 1। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो, ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट बना के बीच में माइनस लगाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 × −1 × 1 − 1 ये क्या हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो −2 हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखा, 1 × 1 = 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन आ गया। ये क्या हो गया, मॉड ऑफ ए आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या है, इसका मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर मैट्रिक्स है इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमें पता चल चुका है कि नॉन सिंगुलर है। कौन सा मेथड करा रहा हूँ मैं, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, बराबर। कौन सा, उसमें कॉलम वाला है, ठीक है। कॉलम वाले में क्या लगाते हैं हम, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। अगर रो वाला करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, बराबर। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए इनवर्स तो हमें तो फाइंड करना है, तो मैं ए इनवर्स ऐसे लिख दिया। ओरिजिनल मैट्रिक्स याद ही हुई है, हमें लिख दो इधर प्यार से, 2 − 1 − 1 क्लियर इज इक्वल टू आई। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड डायगोनल एलिमेंट इज 1, क्लियर है, ठीक है। ये −1 था, ठीक है। अब इसको मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉलम में C1 में मैं काम कर रहा हूँ। देखो ये +1 है, ये −1 है, अगर दोनों को ऐड करो तभी तो 0 बनेगा ना। सोच के देखो, इधर +1 है, ये −1 है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, +1 − 1 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, C1 + C2 कर देता हूँ। समझ में आ, सिंपल टेक्निक। तो इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, A इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, C1 में काम करो तो C2 सेम रहेगा, C2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। C1 में काम करो तो C2 सेम रहेगा, C2 में काम करो तो C1 सेम रहेगा, बस इतना याद रखना है। अभी क्या, C2 क्या, 1 − 1 = 0 − 1, इसको ऐसे लिख दिया। अब दोनों को ऐड करना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 और −1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो 0 बन गया। अब मेरा मकसद क्या है, इसको क्या बनाना, 1 बनाना। समझ में आ रहा है, इसको 1 बनाना है मुझे, ठीक है, स्टॉप करो तो थोड़ा, ठीक है, इसको 1 बनाना है मुझे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर से C1 में मैं काम कर रहा हूँ। किस तरीके से काम कर रहा हूँ, देखो ये 3 है, ये क्या है, इधर 3 है, अगर मैं इसको 3 से ही डिवाइड कर दूंगा इस C1 को, तो ये 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, C1 को अगर मैं C1 / 3 करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, A इनवर्स, C1 में काम कर रहा हो तो C2 क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो C2 को लिख दो 1 − 1 = 0 − 1। अब इसको क्या कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3, C1 की वैल्यू कितनी, 3, नीचे डिवाइडेड बाय 3, 3 और 3 कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा, 1, C1 की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 3, 0 / 3 कितना हो जाएगा, 0, 1, ये क्या 1 है, और ये क्या, डिवाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, और ये भी क्या हो जाएगा, 1/3। देखो ये 1 और 0 तो बन गया, अभी मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। अब देखो ये 0 कैसा बन गया है, कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलम में अपने को ऑपरेशन करना है, ठीक है। C1 में से अगर C2 मैं माइनस कर देता हूँ, C1 में से अगर C2 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, C1 में से C2 को माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर रहेगा A इनवर्स, ठीक है, A इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, सॉरी पहले मेरे को ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। मैं किस में काम कर रहा हूँ, C2 में काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, C1 − C2। समझ में आ रहा है, अगर C1 में से अगर C2 मैं माइनस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अभी तक ध्यान देंगे, A इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, C2 में मैं काम कर रहा हूँ तो क्या क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज C1 ऐसे लिखेंगे, 1 0, और ये क्या हो जाएगा, 1/3, ये भी क्या हो जाएगा, 1/3। समझ में आ रहा, अब क्या करना है, हमें इन दोनों को माइनस करना है, 1 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 0। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 0 है, ये माइनस इसका, C2 की वैल्यू कितनी है, −1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं C1 में से C2 माइनस किया, ना कि C2 में से C1 माइनस किया। समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी तक ध्यान दीजिए।
अभी सी वन की वैल्यू कितनी, 1/3 है, और सी टू की वैल्यू कितनी है, 0 है। 1/3 में से 0 गए तो कितना बचेगा, 1/3 ही बचेगा। समझ में आ रहा है, सी वन की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो मैंने 1/3 लिख दिया, और सी टू की वैल्यू कितनी, माइनस सी टू की वैल्यू कितनी है, 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 3 ये तो पता है आप लोग को, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते, 3 1 3 ये 1 का 1 लिखा, 1 - 3 1 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 में से 1 गए तो कितना बचा, 2 - 3, और ये माइनस की साइन आ जाएगी, तो कितना आएगा, -2/3, तो इधर लिख देंगे -2/3। समझ में आ रहा है, ये अपने ऑपरेशन कर दिए। अब अपने को क्या करना है, अपने पास क्या बचा, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, क्या बनी, 1 0 0 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है, 1 0 0 1 ये है। अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, समझ में आ रहा है, तो क्या बचेगा अपने पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये बचा 1/3 1/3, और ये क्या बच गया, 1/3 -2/3। क्लियर, अब ये तो अपने को बच गया, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। मैं आप लोग को बताया था इसको कई तरीके से, एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको कॉमन निकालते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में था, समझ में आ रहा, 5 था तो अपन 5 कॉमन निकाल लिया, अभी 3 3 3 है, उसको 1/3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, निकाल देंगे तो भी चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 1 -2। कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, दोनों ही तरीका करेक्ट है, लिख के ले लो। ये कॉलम मेथड से बताया हूँ, लेकिन मैं आप लोग आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि एग्ज़ाम में कौन से तरीके से किया जाए, बच्चे किस में कन्फ्यूज रहते हैं, रो के तरीके से करना है या कॉलम के तरीके से करना है या एडजॉइंट मेथड से करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, एक नई टेक्निक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।